अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, इस टाइम इम्पोर्टेंट है उस लड़की को जाकर रोकना, क्योंकि वो बहुत बुरा करने वाली है। हो गई, देख ली किताब? जी जी जी, लीजिए, शुक्रिया। अरे अरे, कहाँ जा रहे? वो गाड़ी रिपेयर हो गई होगी ना, तो वही लेने गए हैं। आप बुरा ना माने तो एक थोड़ा सा अजीब सा सवाल करूं, आपके घर में शराब कोई पीता है? शराब? नहीं नहीं, हमारे घर पे कोई शराब नहीं पीता। अच्छा, तो फिर वो बॉटल्स किस लिए? ये सलोनी लेके आई है। वो करते हैं ना बॉटल पे पेंट करके, वो उसमें लाइटिंग लगा के फैंसी पीस बना देते हैं और बालकनी में लगाते हैं, बस वही सब। हमने उसको पढ़ाई करने से मना किया था, तो हर बात से कैसे मना कर सकते हैं, और अब वो घर की साज सज्जा में रुचि ले रही थी, तो हमने कहा चलो कर लो। अब आप इतना बात कर रही हो उनके बारे में, तो उनसे मन कर रहा है उनको देखने का। कोई तस्वीर है, दिखा सकते हैं? हाँ, फोटोज वगैरह कुछ? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ, बड़ी सुंदर लग रही थी हमारी बहू शादी में। अरे ये क्या, कोई भी फोटो नहीं? फोन में चेक कीजिए, फोन में कोई फोटोग्राफ होंगी। अरे ये कैसे हो सकता है, यहां से भी सारी फोटो डिलीट हो चुकी हैं उसकी। मेरा जी घबरा रहा है, ये क्या हो रहा है? आप लोग कौन है? हाँ, सच सच बताइए, क्या हो रहा है? कहीं उसका कोई पुराना चक्कर तो नहीं है? कहीं वो पहले से शादीशुदा तो नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। चलिए चलिए। सुनिए तो, क्या हो गया बेटा ये? जैन मैडम सर। पुष्पा जी, अमर विद्रोही की जान खतरे में है, हमें बैकअप चाहिए तुरंत, जल्दी जल्दी जल्दी। जी 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 मैडम सर जी। जी संतोष शर्मा। अमर सर, लोकेशन मिल गई है। लोकेशन? संतोष, एक सेकंड सर से बात कर रही हूँ। एनके कॉलेज? जानता हूँ। थैंक यू संतोष। ही सो स्मार्ट। क्या ही सो स्मार्ट? तुम कब अपनी स्मार्टनेस दिखाओगे? कितने बार कहा है सिंगाड़े खाना बंद मत करो, जैसे ही बंद करती हो ना तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। पुष्पा जी, ऐसा क्या ही किया है मैंने? क्या किया है मैंने? अरे तुम हमारी टीम में हो और ये हम तुमको पूछ नहीं रहे, बता रहे, इसलिए दुश्मन टीम की मदद करना बंद करो। पुष्पा जी, क्या किया है मैंने? मुझे तो लोकेशन मिली थी। अरे वो तो मैडम सर को भी मिल गई है। हाँ तो टुकुर टुकुर मत देखो, चलो चीते को ढूंढो, शायद वहाँ हमारी जरूरत है। चलो 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 चलो। मैडम सर, आगे जो लेफ्ट में एक रास्ता जा रहा है ना, उससे कच्ची रोड जाती जो हमें अमरसर से पहले पहुँचा देगी, ले क्या? हाँ ठीक है, चलिए। ओके, जैसा आपको सही लगे। मैडम सर, लेकिन उस सलोनी को इतनी इंस्टीट्यूट में पहचानेंगे कैसे आप? देखिए, सलोनी की माँ ने क्या कहा था कि उसकी उंगलियां जली हुई हैं। अब हम जानते हैं कि उसकी उंगलियां जली हैं बम बनाने की वजह से। वो कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, इसलिए जल गई उंगलियां। अब जली हुई उंगलियों वाली लड़की को ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए ना? अगर लड़की को बम ब्लास्ट करने होंगे तो बम कहाँ लगाएगी? क्लासरूम। अरे ये क्या कर रहा है अमर विद्रोही? इतने करीब से लड़की को पीछा क्यों कर रहा है?
अगर उसने देख लिया और उसने बौखलाकर बम यहीं फोड़ दिया, कुछ और कर दिया तो कैसे रोके हम इस आदमी को? सर, सर, सर। ये मेटल डिटेक्टर लेकर आए। क्या बात है संतोष शर्मा, आपने तो कमाल कर दिया, गुड जॉब। थैंक यू सर। कमान संतोष शर्मा, ऐसे ही बिजी रखी उन्हें। मैडम सर, हाँ, इस इंस्टीट्यूट का वो एग्जिट गेट होगा, वहाँ से अंदर जा सकते हैं ना। हाँ, ब्रिलियंट, चलिए चलिए चलिए। चलिए काम करिए, यहीं पे रुकिए आप लोग, जब भी कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? जी सर। एक एक करके आ जाओ सब, जिनको भी अंदर जाना है। इधर से आइए, लाइन बना कर आइए। लाइन में आना। जाइए। हाँ चलो जाओ। हमारे सर जी कहाँ हैं? इन्हें अमरसर से दूर रखना होगा। अरे कहाँ है सर? हाँ उधर उधर चले गए। चलिए चलिए, हम लेके चलते, चलिए। ये सलोनी आई तो फिर गई कहाँ? पता नहीं कहाँ है, ढूंढते हैं। रुकिए तो कहाँ जा रहे हैं? यहाँ भी अमरसर नहीं है। अरे तो आप जहाँ लेकर गई थी वहाँ पर भी तो अमरसर नहीं है ना, तो कहाँ है हमारे सर? आप पर एक पैसे का भरोसा नहीं, मैं खुद ही अमरसर को फोन करके पता कर लेता हूँ। कितनी धूप है, हमें तो चक्कर आ रहे हैं। अगर अमर विद्रोही ने इसे सबके सामने पकड़ लिया तो ये ब्लास्ट कर सकती है। मैडम सर, इस अमर विद्रोही को रोकना होगा। करिश्मा सिंह को सोचिए क्या करें। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। चलिए। कहाँ जा रहा है सर? संतु जी, आपको नहीं लग रहा क्लास कुछ जल्दी ही खत्म हो गया? देखिए सब तो जा रहा है सर। बाबू रे, हाँ खबरदार, अगर आप लोगों ने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैंने बम लगा के रखा है, मैं कभी भी उसे ब्लास्ट कर सकती हूँ, सबके सब मरेंगे। तो फोड़ो ना, ब्लास्ट कर दो बम, मार दो सबको। पुलिस वाले हम, खाकी और कफन हम साथ में लेते हैं, ऐसी धमकियों से अगर हम डरने लगेंगे तो फिर हो गया हमारा नौकरी। और तुमको एक बात और बता दे, तुम ब्लास्ट करोगी ना तो हम तो मरेंगे मरेंगे, लेकिन साथ में तुम भी मरोगी, और हम बिल्कुल तैयार है मरने के लिए। क्या तुम तैयार हो? बोलो तैयार हो। सलोनी, हम जानते हैं कि तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो और तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी मजबूरी साफ साफ नजर आ रही है, तो इससे अच्छा ये सारा ड्रामा करने की बजाय, ये बेवकूफी करने की बजाय बता दो कि तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है? तो और मैं क्या करती? हाँ, क्या करती मैं पढ़ना चाहती थी, इंजीनियर बनना चाहती थी। मैंने अपने माँ पापा से कितनी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेरी अभी शादी मत कीजिए, मुझे पढ़ना है। उन्होंने कहा शादी कर लो, लड़का अच्छा है, शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू कर लेना। झूठ बोला मुझसे और मेरी शादी करवा दी। जब ससुराल गई तो पता चला कि पढ़ने का अधिकार तो सिर्फ मर्दों को होता है, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई बस वक्त और पैसे की बर्बादी मानी जाती है और कुछ नहीं। कितनी मेहनतें की थी अपने सास के सामने, अपने पति के सामने कि प्लीज मुझे पढ़ना है आगे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे पढ़ने नहीं दिया। घुटती थी मैं उस माहौल में, अपने आप से अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी मैंने। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेले क्यों मरूं, मरना ही है,
तो कुछ ऐसा काम करके मरूं जिससे ये समाज उन औरतों को भी इज्जत दे जो मेरी तरह ऐसे घुट घुट कर मरती है हर रोज। मरूं तो उन मर्दों की आंखें खुले जो शिक्षा को सिर्फ अपना अधिकार समझते हैं और साथ साथ उनके घर पे रहने वाली औरतों की भी, जिन्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए होती है, अच्छा नाम अच्छा जॉब सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं लड़कियां नहीं, और बॉम्ब रखने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में शामिल होकर चोरी से मैं क्लास में आती। तो इसीलिए उस दिन जब तुमने पहली बार फोन किया धमकी देने के लिए, तो तुमने जिद की कि तुम अमर विद्रोही से ही बात करो, क्योंकि वो मेल पुलिस ऑफिसर है और तुम उन्हें नीचा दिखाना चाहती थी। जी, बम लगाने का इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन महिला पुलिस के पास आने का एक छोटा सा आसान सा कदम नहीं उठा पाई तुम। आती ना हमारे पास, उस पर कुछ कुछ सोचते कुछ करते, इस तरह का इतना बड़ा बवाल तो नहीं होता। आपको क्या लगता है अगर मैं पुलिस स्टेशन आती तो मेरे ससुराल वाले मेरे माता पिता को शांति से जीने देते? नहीं, वो उन्हें ताने मार मार कर मार देते। तुम्हारी वजह चाहे कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, तुम्हारा जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। तुम ये सब इतने तमाशे नहीं कर सकती। किसी भी मुश्किल का सलूशन ढूंढने के लिए बहुत पेशेंटली और समझदारी से डील करना पड़ता है। उसे जितना खींचोगे वो उतना ज्यादा उलझता जाएगा। तुम पढ़ाई करना चाहती हो, तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम ऐसी कोई बेवकूफी करने के बारे में सोचोगी भी नहीं। मैम, मुझे बस मेरी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे ससुराल वाले और मेरे पेरेंट्स कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं। तुम्हें पकड़ पाएंगे तभी तो रोक पाएंगे। भाग जाओ, ऐसी जगह चली जाओ जहां तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ढूंढ ही ना सके। एक मिनट मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे आप इसको जाने देंगे तो हम दोनों सस्पेंड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हमने इस वक्त अगर इसको पकड़ लिया तो हमें इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी और फिर तो इसका फ्यूचर बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। देखिए करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम पर भरोसा रखिए, हम भी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, रिलैक्स। ठीक है, बस 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 बस, अब रोना बंद करो, उठो, हमारी बात ध्यान से सुनो। जैसा हम कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करोगे। यहाँ से कुछ दिनों के लिए भाग जाओ, कोई फोन मैसेज सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं, किसी से कोई बात नहीं करना, समझ में आया? ये लो, ये हमारा मोबाइल नंबर है, दो दिन बाद इस नंबर पर हमें फोन करना। तब तक हम जो है तुम्हारा एडमिशन, तुम्हारा हॉस्टल वगैरह इस सबका इंतजाम करते हैं, ठीक है? पर मैम, एडमिशन में तो बहुत खर्चा लगेगा। उस सब की चिंता तुम मत करो, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, तुम पढ़ाई करो। मैम, मैं पार्ट टाइम जॉब करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ, वो सब तुम करती रहना, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से निकलो, चलो। एक मिनट, वो बम बारूद वो सब कहाँ रखे तुमने? हाँ, वो जहाँ पर हम छुपे थे टीचर के टेबल के नीचे, वहाँ पर ही है। ठीक है, चलो चलो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ, चुपके चलो। दीवान जी, हर एक की चेकिंग कीजिए, किसी को छोड़ना मत, और इनमें से किसी के पास कुछ भी सस्पिशियस दिखे तो मुझे बताइए। क्या समझे? समझ गया सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सबका एक्सरे लेके छोड़ूंगा, अभी शुरू करता हूँ। कोई नहीं जाएगा सर, इधर आइए, आइए इधर, बैग चेक कराइए। सुनिए, क्या नाम है आपका? उर्मी, उर्मी बंसीलाल। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर है, अंदर क्या कर रही थी आप? इधर मेरी तरफ देखिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। वो मैं अंदर। हाथों में क्या हुआ आपके? हाथ दिखाइए जरा, हाथ दिखाइए अपने। हाथ दिखाइए अपने। ये लड़की बिल्कुल ठीक है, हमने खुद इसे चेक किया है, क्लीन चिट दिया है, ये ठीक है, तुम जा सकती हो। रुको, पुष्पा जी। जी सर।
इनकी चेकिंग करिए। अरे क्या जरूरत है चेक करने की, हमने कहा ना हम चेक कर चुके हैं। पुष्पा जी ने चेक कीजिए। जी देखा क्या कहा था हमने, खामखा हर बात पे अकड़ दिखाना जरूरी नहीं। कुछ कहा आपने? जी बॉम्ब स्क्वाड को बुलाइए, सारे बॉम्ब अंदर क्लासरूम में बरामद हुए हैं। आप लोग सेफ हैं, आप लोग जा सकते हैं। जाइए, चलो जाइए, जाओ जाओ, जाइए जाइए, निकल जाओ सब। और वो लड़की? वो तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम इन सबकी जान तो बच गई। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं हसीना मलिक। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक से आप उस लड़की को इतना फेवर करने लगी हैं, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है ये वही लड़की सलोनी है जिसे हम कब से ढूंढ रहे हैं। तो फिर आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? इसीलिए अरेस्ट नहीं किया क्योंकि हमें उसके पास कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिला है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि थ्रेट कॉल्स करने वाली वही लड़की है। आप मुझे बताएंगे आप उसे इतना फेवर क्यों कर रही हैं? महिला पुलिस थाना और मेल पुलिस थाने के बीच का फर्क आपको समझाने के लिए, क्या है ना कि आप लोग पहले जुर्म देखते हैं और फिर मुजरिम को समझते हैं, लेकिन हम पहले मुजरिम को समझते हैं और फिर उसके जुर्म को देखते हैं। अच्छी फिलॉसफी थी, मेरे लिए तो बाउंसर थी, शायद डीएसपी सर को समझ आ जाए। का? अब आप उन्हें समझाइएगा अपने ये अजीबोगरीब फलसफे। अब हम डायरेक्ट उन्हीं के ऑफिस जा रहे हैं, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट देने। झूठ है, ये सच है, ये झूठ है, यही सच है सर। क्या सबूत है आपके पास? हर सच को सबूत की जरूरत नहीं होती, कुछ सच चेहरे भी बयां करते हैं। अगर शायरी का इतना ही शौक है ना तो किसी मुशायरे में जाइए, ये पुलिस थाना है, यहाँ पर इल्जाम के साथ साथ सबूत भी लगता है। अच्छा तो क्या यह सच नहीं कि आपने जानबूझकर उस बॉम्ब थ्रेट वाली लड़की को कॉलेज से निकाला, अपने फर्ज अपने ड्यूटी के साथ चीटिंग की, आपने एक क्रिमिनल का साथ दिया? ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है, इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं, आप इल्यूजन में जी रहे हैं। देखिए आप, अरे शांत हो जाइए, देखो पटर 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 कब से लगा के रखा है आप लोग। सॉरी सर। अरे ना तो सुनने दे रहे हो ना तो खाने दे रहे हो, पूरा टेस्ट खराब कर दिया हमारा। वही तो कह रहा हूँ सर, पूरी बात का टेस्ट ही खराब कर दिया। अरे समोसे का टेस्ट खराब कर दिया आप लोगों ने। सर माफ कीजिए, लेकिन ये इंसान यहाँ खड़ा होकर हमारे ऑनेस्टी पर, हमारी ड्यूटी पर, हमारी कैपेसिटी पर शक कर रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे, ये इंसान ये सब कह रहा है? क्योंकि सर भी जानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, आपने काम ही ऐसा किया। How dare you touch my finger? देखा सर, औरतों की इक्वालिटी का झूठा ढोंग, ऐसे तो इन्हें कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, थोड़ी सी उंगली टच हो गई तो ऐसे तमाशा कर रही है जैसे इनकी रियासत पर किसी ने हमला कर दिया हो, जबकि आपने खुद देखा सर पहले उंगली इन्होंने दिखाई मुझे। तो क्या करें, उंगली तोड़ दे? अरे आप तो चुप हो जाइए, हमारे लिए नहीं तो कम से कम भगवान के लिए चुप हो जाइए। अरे अच्छे खासे मच्छी बाजार को ऑफिस बना दिया, देखा देखा हमारा भी दिमाग खराब हो गया, अच्छे खासे ऑफिस को मच्छी बाजार बना दिया। अच्छा ठीक, आपका कहना ये है कि इन्होंने संदिग्ध लड़की को भगा दिया, राइट? रॉन्ग सर। अच्छा इस बात का आपके पास कोई प्रमाण है? प्रमाण ये खुद खड़ी है ना सर, एक काम करते हैं पोलोग्राफी टेस्ट करवाइए ना इनका, सारा सच खुद ब खुद इनके सामने आ जाएगा। और उसके बाद भी ये निर्दोष साबित हुई तो मैं ये थाना छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा सर। लेकिन सर अगर मेरा कहा सच निकला और ये साबित होता है कि इन्होंने उस लड़की की मदद की है तो फिर सर? तो इन्हें वो थाना छोड़कर जाना पड़ेगा सर। बोलिए मंजूर है? जाओगे तो तुम्हें। हमें मंजूर है सर। तो ठीक है, हो गया फैसला, हम पॉलीग्राफ टेस्ट की ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और तब तक आप महिला पुलिस थाने का कोई भी केस सॉल्व नहीं करेंगे सर। लेकिन ये हमारा आदेश ही नहीं प्रोटोकॉल भी है। यस सर।
हाँ सर, अभी आया। आते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सच कहूं तो आपसे मिलकर मुझे लगा था ये खेल थोड़ा ज्यादा लंबा चलेगा। आप उन लोगों में से नहीं है जो इतनी जल्दी गिव अप कर दे। टाइम लगेगा आपसे थाना वापस लेने में, आपको हराने में। लेकिन अफसोस, आपने तो मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया हसीना मलिक। अब जाइए, जाकर अपना बोरिया बिस्तर पैक कीजिए, क्योंकि आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं इस टेस्ट में तो आप फेल ही होंगी। और आपका वो फेमस डायलॉग क्या है? हाँ, तजुर्बा कहता है हमारा। लेकिन अब से पूरा लखनऊ सिर्फ एक ही डायलॉग सुनेगा, अमर विद्रोही का डायलॉग। तजुर्बा हुआ पुराना, क्योंकि अब है लॉजिक का जमाना। हसीना जी, मैंने आपको बोला था ना, एक दिन आएगा जब आप होंगी इस थाने से बाहर, और मैं आपको टाटा बाय बाय करने और खुद थाने के बाहर छोड़ने आऊंगा। तो लीजिए, आज आ गया वो दिन। पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल हुई, थाने से आउट, टाटा बाय बाय। उम्मीद है फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैडम सर, हम आपके साथ चलेंगे, हमने तत्काल प्रभाव में अपना ट्रांसफर करा लिया, और वैसे भी आपके बिना हमारे थाने में कोई काम नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। चलिए। चलो संतोष। ये क्या संतोष शर्मा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम ऐसे लोगों के साथ जा रही हो जहां तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। थोड़ी अकल से काम लो, तुम्हारा फ्यूचर यही है इसी थाने में हमारे साथ, तुम्हें यही रहना चाहिए। मैडम सर, एक मिनट। संतु, उनकी बात बिल्कुल मत सुनो, हमारे साथ चलो। चलो संतु जी, आपको ना हम लोग के साथ रहना चाहिए। अरे वो कहावत नहीं सुनी है का, कि जहाँ का फूल वहीं खिले, अगर जड़ से टूटे तो कहीं कनार है। संतोष शर्मा, आप करिश्मा मैडम की जगह पर SI बन सकती हैं। अरे किसी की बात मत सुनो तुम, हमारे साथ चलो, अपनों के बारे में सोचो। चलो, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है संतोष, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। परिवार, करियर, प्यार, फ्यूचर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। संतोष जी, क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? उतरिए उतरिए, क्या हुआ? कौन पकड़ लिया आपको? क्या हुआ? क्या हो गया? किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है? आप ठीक तो हैं? एक मिनट, आप कहीं सपना तो नहीं देखी है? क्यों डर रही हैं आप? सपना कभी सच थोड़ी होता है। नहीं चीते, ये सपना ना सच होने वाला है, हमारा थाना हमारे हाथ से जाने वाला है। पहले सिर्फ पापा की टेंशन होती थी कि पता नहीं कब मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप में बैठा देंगे और शादी करा देंगे, और अब ये टेंशन रहती है कि पता नहीं कौन कब हमें हमारे ही थाने से निकाल देगा। जिसे थाना छूटेगा ना, तो एक दूसरे का साथ भी छूट जाएगा। पता नहीं किसका कहाँ ट्रांसफर होगा, कौन कहाँ जाएगा, हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लाइफ पे कितनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है ना, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। मैं कभी अकेले नहीं रही जीते, अपना थाना चली जाएगा तो क्या होगा मेरा, मैं कैसे रहूंगी, मैं क्या करूंगी तुम सबके बिना। हम आपका भाव समझ सकते हैं संतोष जी, एक गारंटी हम आपको पर्सनल लेवल पर दे सकते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए संतोष जी, आप कभी अकेले नहीं रहिएगा संतोष जी। जानती हैं क्यों? क्योंकि हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे संतोष जी। आप हमसे शादी कर हमको अपना हस्बैंड बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिएगा। हाथ छोड़। हाँ सॉरी। चीते मतलब कैसे, मैं यहाँ पर इतने टेंशन में हूँ, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुझे ये घटिया प्रैंक और मजाक की पड़ी है? हद करता है यार। Thank you.
जी, हाँ हमें ना एक एक युक्ति आया है। हाँ है ना, क्यों ना आप अपना जो आपका फेवरेट फॉर्मूला है वो डीएसपी सर पे अप्लाई कर दीजिए। हाँ, उनका फेवरेट राजमा चावल बना के लेके जाइए। हो सकता है जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसके लिए मना कर दे, दिमाग खिल जाए, बोले अच्छा ठीक है नहीं करना है। हो सकता है ना पुष्पा जी? कोई फायदा नहीं है। काहे काहे का काहे, अमर विद्रोही सर जो है ना वो हमसे भी ज्यादा अच्छे राजमा चावल बनाते हैं। हाय रफ आंटी, हाय टफ आंटी, उस दिन आपने क्या सुपर एक्शन किया था। पापा लड्डू। अरे हाँ, एक्चुअली ये लड्डू बनाए थे बंटी के लिए। जिद कर रहा था कि यहाँ लाकर आप लोगों को खिलाऊं। आफ्टर ऑल आप दोनों इसकी सुपर फेवरेट सुपर कॉप जो है, ये लीजिए। बहुत स्वादिष्ट। जाओ बेटा, अभी दीवान जी आपका वेट कर रहे हैं। जाओ, अगर अच्छे लगे तो इसकी रेसिपी भेज दूंगा आप लोगों को। भी? हाँ, वो आप मेरे बनाए हुए राजमा चावल की तारीफ कर रही थी ना, थोड़ा लाउडर बोल रही थी इसलिए मैंने आते वक्त सुन लिया। तो टेस्ट कीजिए, टेस्ट अच्छा लगे ना तो दोनों की रेसिपी आपको एक साथ ही भेज दूंगा मैं। प्लीज आप भी खाइए ना। मैडम से लीजिए ना। पता है हमारी दिलचस्पी दुश्मनों को हराने में, उन्हें खत्म करने में नहीं, क्योंकि जो मजा हारे हुए दुश्मन को देखने में है वो मरे हुए दुश्मन को देखने में कहा। अरे खा लीजिए, जहर नहीं मिलाया इनमें। वैसे अच्छी बात है मिस्टर अमर विद्रोही, ये लड्डू उधार रहा। जब आप यहां से जाएंगे ना तो हम अपने हाथों से बनाकर आपको खुद खिलाएंगे। अरे आपके जज्बाती लड्डू आप ही को मुबारक। अरे जज्बात से याद आया, ये लड्डू देख रही हैं, जज्बात भी इनमें मिलाए हुए मीठे की तरह होते हैं। बैलेंस क्वांटिटी में ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कम रह जाए तो टेस्ट खराब, ज्यादा हो जाए तो हेल्थ खराब। वाकई बहुत ही अच्छे बनाए अपने अमर विद्रोही, कांग्रेट्स। आप पुलिस की नौकरी छोड़कर बावर्ची क्यों नहीं बन जाते? तजुर्बा कहता है हमारा कि जज्बात कोई नमक मसाले जैसा नहीं है जिसे नाप तोल कर इस्तेमाल किया जाए, उसमें क्वांटिटी नहीं ऑथेंटिसिटी मायने रखती है। इंसानियत बनाए रखना, सही का साथ देना, सच का साथ देना, इनोसेंस को बचाए रखना, ये सारी चीजें जो है ना आप जैसे प्रैक्टिकल और इनसेंसिटिव इंसान को कभी समझ में आ ही नहीं सकती। इनसेंसिटिव? वाह, हमेशा हम मर्द इनसेंसिटिव होते हैं ना हसीना मलिक, आप औरतों ने तो ठेका लेके रखा हुआ है सेंसिटिविटी का। नहीं खैर, अरे भाई और कौन बचा लड्डू के लिए? चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा, आ जाइए। जैन सर। जैन जैन। संतू का है? संतू को भी बुला ना सर, बुला रहे हैं। अरे संतू जी नहीं है। नहीं है? चली गई वो। कहाँ चली गई? अरे हमको क्या पता कहाँ चली गई, फोन किए उनको, उनका फोन नहीं लग रहा है, इधर उधर सब जगह ढूंढा कहीं नहीं मिली हमको। चीता क्या हो गया, सब ठीक है ना? तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं मैडम सर, झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन संतू जी काफी परेशान लग रही थी। हम पूछे भी कि क्या हुआ है, फिर बताई नहीं हमको, खाली ऐसे टेंशन में घूम रही थी। परेशान तो होगी ना, ये पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है, फेल हो गई तो उसे टेंशन तो होगा तो जाएगी ना। करिश्मा सिंह, आपसे कुछ बात करनी है, आप चेंज करके आइए प्लीज। जी सर। ऑल द बेस्ट। पर कहां जा सकती है इस तरह से बिना बताए? उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है मैडम सर। मॉडर्न टाइम पर ना सिर्फ हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है बल्कि हमारे टीनेजर्स, यंगस्टर्स, इनका दिमाग भी पॉल्यूट हो रहा है। मेरा मतलब है दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और ना जाने क्या क्या। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉल्यूशन पिल्स, जो आज के यूथ के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो इंतजार किस बात का है, टीवी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अभी ऑर्डर करें सॉल्यूशन पिल्स। शिव जी आप तो जानते हैं आजकल थाने की नैया कैसे गुड़गुड़ गोते खा रही हैं।
कितनी सारी विपत्तियों ने घेर रखा है हमारे थाने को। एक ताजी मोटी हट्टी कट्टी मूछो वाली महाविपत्ति जो है ना, वो हमेशा हमारे आसपास मंडराती रहती है। बस उस विपत्ति से हमारी रक्षा कीजिए। और प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि ये विपत्ति कौन है। मैं तो कहता हूँ इस विपत्ति को भस्म कर दीजिए, सर्वनाश कर दीजिए इस मुसीबत का। शिवजी शिवजी, हमारी तरफ देखिए, हम हैं आपके सच्चे भक्त, आप अपने सच्चे भक्त की बात सुनिए। अरे प्रभु, ये छल कपट से भरे लोग भूल कर भी इनकी बातों में मन आइएगा प्रभु, वरना ये तो आपके भोलेपन का फायदा उठा के अपना स्वार्थ साथ लेते हैं। पुष्पा जी, पुष्पा जी, कल पूरा रात संतु जी का फोन ट्राई किया, पूरा रात उनका फोन स्विच ऑफ गया है। हमने पता करने की कोशिश भी की, कुछ पता नहीं चल रहा उनका। पुष्पा जी प्लीज कुछ कीजिए। मैडम सर, हमको लगता है ना कि हम लोग को संतु जी घर पर चलना चाहिए, पता करना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं, मतलब कुछ बड़ा माजरा तो नहीं हो गया ना। रिलैक्स, देखो हम संतोष के घर ही जा रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ। हाँ चलिए मैडम सर, चलिए। कांस्टेबल संतोष शर्मा को गायब हुए 24 घंटे हो चुके हैं, कानूनन उनके गायब होने की FIR बनती है। और जहां तक मुझे पता है, DSP सर के आपके लिए ऑर्डर्स है कि जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो जाता, आप थाने में आने वाले किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। सो आई एम सॉरी, आप फिलहाल इस केस पे काम नहीं कर पाएंगी, इस केस को मुझे देखना होगा। सर हम तो काम कर सकते हैं ना, हम तो आपकी टीम में। बिल्कुल, चलिए चलिए मैडम। अरे रुकिए, हम कहां चले, आप तो उनकी टीम से है ना, मैडम की टीम से। दीवान चा कर दिए ना छोटा बात। पुष्पा जी रिपोर्ट लिखिए ना, हम लिखवाते हैं संतु जी गुमशुदा होने का रिपोर्ट, हमको फिक्र है उनका। अब हो गए ना हम वादी कानूनन, अब जा सकते हैं चाचा। चीते तुम जाओ, हम लिखते हैं रिपोर्ट। जी पुष्पा जी, चलिए मैडम भाई। जाओ जाओ जाओ। मैडम चांस क्यों लेना, तोड़ दीजिए दरवाजा। एक मिनट, इसका कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक हमारा व्यूमन साइकोलॉजी कहता है ना मैडम, जो लड़की लोग ऐसे अकेले रहता है ना, वो लोग एक चाबी ना घर के बाहर ऐसे कहीं छुपा के रखता है। हम लोग चाबी खोजते यहीं पर कहीं मिल जाएगा। संतु मैडम, मैडम ये रहा चाबी, मैडम खोल। तुम तो खोलो खोलो संतु। संतु जी, संतु जी, मैडम संतु जी अंदर भी नहीं है मैडम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, पुलिस वाले होके इतनी गैर जिम्मेदार हरकत। अरे इस तरह तो पूरा एविडेंस टैंपर हो जाएगा। आदमी हो या आलू हो, पहले पूरा एविडेंस टैंपर कर दिया, पूरा पोछ रहे हो उसको। कहां से फोर्स में भर्ती हो गए तुम? मैडम संतु जी यहां पर नहीं है मैडम, कुछ पता चला क्या आपको? ऐसे कैसे हो सकता है? संतु कैसे भाग सकती है? उसकी सारी चीजें तो यहां पे पड़ी है, सब कुछ, फोन, ये सब, उसके कपड़े वपड़े, तो कहां गई वो? मैडम चाहे जो कुछ भी हो जाए, संतु जी को कुछ नहीं होना चाहिए मैडम। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैडम वो कागज कैसा है? बहुत सोचा पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है। थाना बंद हो जाएगा, पूरी टीम बिखर जाएगी, सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मैं अकेली हो जाऊंगी, मैं उन लोगों के बिना कैसे रहूंगी? थाना बंद हो गया तो मेरे पापा को मौका मिल जाएगा मेरी शादी करवा देने का, ऐसा हुआ तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? लगता है सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी मैं, सर फट जाएगा मेरा, अब और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं सबसे दूर चली जाना चाहती हूँ, जहाँ ये डर मेरा पीछा ना करे। सर दूर मतलब? मेरा मतलब दूर, अगर पैदल गए तो चौराहा भी दूर ही लगता है ना वैसे। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता संतोष शर्मा, ये संतोष शर्मा है ही नहीं, हम जानते हैं उसे बहुत अच्छे से। ये
ये संतोष शर्मा जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, खतरे में है, और ये किसी और ने लिखा है जानबूझकर, ये किसी और की चाल है। हाँ मैडम सर, हमको भी लग रहा है कि संतोष जी ठीक नहीं है पुष्पा जी। अगर ऐसा है ना मैडम सर, तो खतरे में वो इंसान होगा जिसकी वजह से ये पूरा मुसीबत हुआ है। अगर सच में मैडम सर आपका अंदेशा ठीक है ना, तो मैया कसम बता रहे हैं कि उस इंसान को ना हम खोद के निकालेंगे। अगर हमारी संतु को थोड़ा सा भी खरोच भी आएगा ना, उस इंसान के परखच्चे उड़ा देंगे हम, और उसका पूरा जिंदगी अपना परखच्चे समेटने में लग जाएगा। हमारी संतु मुसीबत में नहीं हो सकती मैडम सर, बिल्कुल नहीं हो सकती। उस इंसान को हम पकड़ेंगे, उस इंसान को। सर मैं संतोष शर्मा की डायरी लेकर आता हूँ, देखते हैं हैंडराइटिंग मैच होती है या नहीं। प्लीज जल्दी कीजिए। कोई जरूरत नहीं है, हम संतु की लिखावट पहचानते हैं, उसी ने लिखाई है। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये संतोष शर्मा हो ही नहीं सकती, हमारा दिल नहीं मानता। क्यों नहीं हो सकती, हैंडराइटिंग तक मैच हो रही है। चीता चतुर्वेदी ने अभी कहा कि एक दो दिन से वो कितनी टेंस नजर आ रही थी, और लेटर खुद ब खुद बयां कर रहा है कि कितनी एक्सट्रीम स्ट्रेस में थी वो लड़की, अपने फ्यूचर को लेकर कितना इनसिक्योर थी वो। और एक डरा हुआ हताश निराश इंसान जान नहीं देगा तो और क्या करेगा। और आप जानती हैं सबकी नौबत किसकी वजह से आई, आपकी वजह से हसीना मलिक। और आप जानती हैं सबकी नौबत किसकी वजह से आई है, आपकी वजह से हसीना मलिक। ना आप उस बॉम्ब थ्रेट वाली लड़की को वहां से जाने देती, ना ये मामला डीएसपी सर तक पहुंचता, ना आपके हाथों से इस थाने को फिसलने की नौबत आती, और ना ही संतोष शर्मा को इतना बड़ा स्ट्रेस फील करना पड़ता। और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है हसीना मलिक। अगर संतोष शर्मा को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी, सिर्फ आप। करिश्मा सिंह आप हमारे साथ चलिए, संतोष शर्मा को जाकर ढूंढना है। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर ये क्या कर रही हैं आप किसकी बातों में आ रही है? पागल इंसान है वो, कुछ भी बक रहा है। आपकी वजह से संतु को कैसे कुछ कभी हो सकता है? वो तो कल के आए हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं है कि आप किस तरह से सींच कर संभाल कर पाला है आपने उसे बच्चे की तरह। आपकी वजह से उसे कैसे कुछ, आप जिम्मेदार नहीं है मैडम सर। हम ही जिम्मेदार है पुष्पा जी, अगर इस थाने में किसी के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर भी सुसाइड, खुदकुशी, संतोष शर्मा खुदकुशी कैसे कर सकती है? वो अपनी संतो है पुष्पा जी, वो फाइटर लड़की है, वो मजबूत है, वो सुलझी हुई है, वो इमोशनल हो सकती है, वो थोड़ी इनोसेंट हो सकती है, वो झल्ली भी हो सकती है, लेकिन खुदकुशी के बारे में कभी नहीं सोच सकती। पुष्पा जी हो ना हो, संतु खतरे में है, वो जहां कहीं भी है हमारा इंतजार कर रही है, उसे हमारी जरूरत है, और हम उसे ढूंढेंगे पुष्पा जी। आज तक हमने संतु की आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दिया है, तो फिर कुछ और कैसे होने दे सकते? चाहे कहीं भी हो, संतोष शर्मा को तो हम ढूंढ ही लेंगे। अमर सर माफ कीजिएगा, लेकिन हम संतु को ढूंढने जाने वाले थे और आप अभी तक ये नोट ही पढ़ रहे हैं। कागजों पर कुछ नहीं मिलने वाला सर, हमको यहाँ से थाने से बाहर जाना होगा, हमें संतु को ढूंढना होगा। हम चले सर। आपको लगता है संतोष शर्मा ऐसे मिल जाएगी? अगर आपको लगता है तो आप जा सकती हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट एक बात बताइए, कहाँ ढूंढेगी आप उन्हें? क्या लगता है आपको, बिना एम के बाहर जाकर उन्हें ढूंढने में अकलमंदी है, या किसी लिंक किसी क्लू के थ्रू उन तक पहुँचने में समझदारी है? तो आपके कहने का मतलब है कि कोई वो लिंक वो क्लू इस नोट पे मिलेगा हमको सर? बिल्कुल, हर क्लू अपने सबूत तक पहुंचने की कहानी खुद ब खुद कहता है, बस कोई सुन सके तो। इसलिए संतोष शर्मा का यह लेटर भी बहुत कुछ कह रहा है, अगर कोई सुन पाए तो। सर हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी करिश्मा से, सुसाइड करने वाला अक्सर अपना सुसाइड नोट वहीं छोड़ता है जहां वो सुसाइड करता है, इसलिए उसके हमलावर ने भी उसका सुसाइड नोट वहीं छोड़ा ताकि उनकी मौत सुसाइड डिक्लेयर हो सके। अगर ये काम आक्रमणकारी का है तो फिर ये लेटर ये संतु के हस्तलेख में काहे है? आपको क्या लगता है? और प्लीज दिल से नहीं दिमाग से सोचिएगा, क्योंकि दिल से दिमाग का रास्ता बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सं...
संतू से जबरदस्ती लिखवा दिया है ये सुसाइड नोट, है ना? हो सकता था बट ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए ना, अगर ये लेटर जबरदस्ती उनसे लिखवाया गया होता तो हैंडराइटिंग इतनी साफ, इतनी शार्प, इतनी सटीक नहीं होती। हर कॉमा, हर फुल स्टॉप का ध्यान रखा गया है। अगर कोई शब्द गलत भी लिखा गया है तो उसे काट कर ठीक किया गया है। क्या आपको लगता है कि जबरदस्ती लेटर लिखने वाला शब्दों की इतनी गलतियों का ध्यान रखेगा? इसका मतलब संतू के आक्रमणकारी ने संतू की हैंडराइटिंग को कॉपी ही कर दिया। करिश्मा सिंह, ये रियल वर्ल्ड है, मनमोहन देसाई की कोई पिक्चर नहीं जिसमें विलन बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है और अपने खड़े पैर वो किसी की भी हैंडराइटिंग ऐसे कॉपी कर लेगा। ये लेटर लिखा तो संतोष शर्मा ने ही है, उसके हमलावर ने नहीं। सर, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, हम सब घूम गया है, आप कैसे कह सकते हैं आप ये? ये देखिए करिश्मा सिंह, ये कोई डायरी से फाड़ा हुआ पेपर नहीं है जिस पे संतोष शर्मा रेगुलरली लिखती हैं। ये कोई रैंडम डेस्क पे पड़ा हुआ कोई रफ पेपर है जिस पे हम लोग अपने थॉट्स लिखते हैं, या कई बार हम बोर हो रहे होते हैं तो कुछ ड्रॉ कर देते हैं। संतोष शर्मा ने भी इस पर अपने थॉट्स लिखे थे और उसी बात का फायदा उस हमलावर ने उठाया और इस नोट को सुसाइड नोट बना दिया। अब सही है सर, पर हमारा सवाल अभी भी कायम है। अगर संतू के हमलावर का प्लान था कि वो संतू की मौत को आत्महत्या सिद्ध करना चाहता है तो वो संतू को उठाकर काहे लेके गया? और है कहाँ हमारी संतू अभी? टेंशन मत लीजिए करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा बिल्कुल ठीक है करिश्मा सिंह, और हम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। बचाओ बचाओ चिल्लाओगे तुम थोड़ी देर बाद लॉकअप में, जो पुलिस के डंडे पड़ेंगे तुम्हें तब। तुम्हें क्या लगा हा? एक अकेली पुलिस वाली को तुमने किडनैप कर लिया है? नहीं बेटा, तुमने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को किडनैप किया है। पूरे शहर की पुलिस ने तुम्हें नोच खाएगी, समझ रहे हो तुम? मेरी शक्ल पे मत जाना, बहुत क्यूट दिखती हूँ मैं, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस हूँ, समझ रहे हो? मेरी खोपड़ी खिसक गई ना तो तुम्हारे मुँह से एक ही बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बात, मगर तुमसे नहीं देखा। सुन रहे हो क्या? तुमसे बात कर रही हूँ मैं, सुनो ना, देख भी नहीं रहे हो। मम्मी, क्या हाँ, तो डर लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है तुम्हें? हाँ नहीं, मैं मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा है, समझ रहे हो? मम्मी, बहुत भगभग करती है ना तू। हेलो, अरे क्या है ये, कितना बोलती है? अगर ऐसे दिमाग खाती रही ना तो मैं तुम्हारे ऑर्डर का वेट नहीं करूंगा, मैं खुद ही मार दूंगा इसे। अभी बोलो, उठा तो लिया है, मारना कब है? हाँ पता है पुलिस है, ऐसे नहीं मार सकते, लेकिन मारना तो है ना। फिर माँ कुछ खा लो, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ खा लो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बिल्ले, हम अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहे हैं ना कि क्या बताएं तुमको, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ होगी हमारी बच्ची, कहाँ ढूंढे उसे। शिवजी बचाइए हमारे संतू को, आप ही की बच्ची है वो। आप लोग चाहते हैं ना कि संतोष शर्मा सही सलामत घर वापस आए? ये भी कोई पूछने वाला बात है मैडम सर? मैडम सर, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें बस। आप बस बताइए कैसे पता चलेगा? तो यहाँ ये, और हमारी बात ध्यान से सुनी, समझ में आ गया? जी समझ तो गए मैडम सर, मगर डीएसपी सर की ऑर्डर की तलवार आपके सर पर लटक रही है, विभागीय कार्यवाही भी आप पर शुरू हो चुकी है, ऐसे में अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो मामला और बिगड़ जाएगा। संतोष शर्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है पुष्पा जी, उसे सही सलामत वापस लाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। कहाँ जा रही है सीना जी?
हम आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि आप ना ही हमारे सीनियर हैं और ना ही स्थानीय के शुभचिंतक। ऑन ड्यूटी कलीग्स तो है ही ना, बस उसी नाते पूछ रहा था। अगर आप संतोष शर्मा को ढूंढने जा रही हैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आपको नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि डीएसपी सर के ऑर्डर्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस समय आप बहुत ही बड़े इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हैं। क्योंकि जहां तक हमारा लॉजिक कहता है, गुस्से और जज्बात का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक होता है। इन दोनों के बेस पर लिए गए फैसले अक्सर बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। हसीना मलिक, हमें अपने इमोशन से डील करना बहुत अच्छे से आता है मिस्टर अमर विद्रोही। हम सबसे पहले एक पुलिस वाले अपने खाकी के फर्ज और अपने जाती फर्ज के बीच के बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जब तक यहाँ हूँ ये थाना मेरी भी जिम्मेदारी है हसीना मलिक, संतोष शर्मा भी। उन्हें ढूंढना, उनकी हिफाजत करना और सही सलामत उन्हें वापस लाना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। और मैं अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता हूँ, ये भी निभाऊंगा, भरोसा कीजिए मुझ पर। बात भरोसे की है ही नहीं मिस्टर अमर विद्रोही, बात दिल के रिश्ते की है और ये बात आप कभी समझेंगे नहीं। इसलिए आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए और हमें जो ठीक लगता है वो हम करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, एक दूसरे के रास्ते में ना आए तो अच्छी बात होगी। अगर ऐसा होता है तो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी ड्यूटी होगी, जज्बात नहीं। हर कोई जज्बाती हो भी नहीं सकता मिस्टर अमर विद्रोही, उसके लिए खास लोग होते हैं। वो कहते हैं ना, मोहब्बत के लिए भी हैं कुछ खास दिल मखसूस। ये वो नगमा नहीं जो हर सांस पर गाया जाए। ये क्या जाने टीम क्या होती है और आप क्या जाने सीनियर क्या होते हैं। पिछले कई सालों से मेरा ये हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है। सीनियर्स ने मुझे ड्यूटी के लिए डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया था। कोई भी एसएचओ मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। तब ये अमर सर, इन्होंने ना सिर्फ मुझे ड्यूटी पर वापस लगवाया बल्कि अपने साथ रखा और आज तक साथ निभा रहे हैं। ये अमर विद्रोही, ये कितने बड़े ऑफिसर है ना ये अलग बात है, पर इंसान इंसान बहुत बड़े और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता पुष्पा जी, कोई नहीं। सर हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमें तो संतू को ढूंढना चाहिए ना, हम ऐसी जगह समय बर्बाद काहे कर रहे हैं जहाँ हम आ चुके हैं। हमने अच्छे से तफ्तीश भी कर लिया सर। आपको याद है करिश्मा सिंह, मैंने आपसे क्या कहा था, नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर चीजों को देखकर क्राइम ऑब्जर्व करता है और एक शार्प इन्वेस्टिगेटर चीजों को सुनकर क्राइम ऑब्जर्व करता है, क्योंकि हर चीज अपनी कहानी खुद कहती है, बस कोई सुनने वाला चाहिए। एक बार फिर से चेक कीजिए, हर चीज को बारीकी से देखिए। चाहिए जी सर। ये देखिए करिश्मा सिंह। सही है तो संतोष शर्मा का डंडा और उस पर लगे ये खून के धब्बे, मतलब संतोष शर्मा और उसके हमलावर के बीच में फिजिकल स्ट्रगल भी हुआ था। वो देखिए करिश्मा सिंह, फ्लोर की तरफ देखिए, क्या नजर आ रहा है सर? ये ऐसा लग रहा है कुछ गिरा है और किसी ने साफ किया और वो अच्छे से साफ भी नहीं हुआ है, मतलब ऐसे गंदे कपड़े से साफ हुआ ऐसा लग रहा है। तो किसने किया होगा फिर? जाहिर सी बात है हमलावर ने ही किया है, ताकि वो फिंगरप्रिंट्स या कोई भी इसमें निशान तो ना रह सके, कोई भी सबूत ना बच सके। दिमाग लगाइए करिश्मा सिंह, सोचिए, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा।
सर ये देख रहे हैं आप, किसी दवाई के शीशे का ढक्कन, दवाई का शीशे नहीं मिला लेकिन सिर्फ ढक्कन मिला। टूटा हुआ ग्लास, कांच के बिखरे हुए टुकड़े, डंडे पर लगे हुए खून के धब्बे और कमरे की आधी अधूरी सफाई। कुछ समझ में आ रहा है एसआई करिश्मा से? ये सारी चीजें कहानी के वो बिखरे हुए टुकड़े हैं जिन्हें अगर थोड़ी से होशियारी से जोड़ दिया जाए तो यहाँ क्या हुआ था उस बात का पता बड़ी आसानी से चल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं इन टुकड़ों। तो मेरे ख्याल से हुआ कुछ यूं होगा, हमलावर ने घर में एंटर होते ही सबसे पहले संतोष शर्मा को बेहोश कर दिया होगा। उसके बाद बेहोशी की दवा की शीशी खोली गई, शीशी की सारी गोलियां पानी के इस गिलास में डालकर मिलाई ताकि संतोष को पिलाए और संतोष की मौत क्लियर कट एक सुसाइड लगे, जो संतोष शर्मा ने जानबूझकर अपनी मर्जी से अपनी जान लेने के लिए खाई। जब हमलावर ने संतोष शर्मा को नींद की गोलियां खिलाने की कोशिश की होगी तब तक संतोष शर्मा को थोड़ा सा होश आ चुका होगा और थोड़े से होश में उसने हमलावर का विरोध किया होगा। जाहिर है अब हमलावर ने संतोष को काबू में रखने के लिए उसे फिर से बेहोश किया होगा। अब संतोष शर्मा को मारना और उसकी मौत को सुसाइड डिक्लेयर करना तो पॉसिबल नहीं था। हमलावर का पूरा प्लान फेल हो चुका था और ये पूरा मामला सुसाइड का लग सके इसलिए हमलावर को किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिसे वो संतोष शर्मा के खिलाफ यूज कर सके और उसे मिला वो नोट। फाइनली उसे उस सिचुएशन में जो सूझा उसने किया, उसने यहाँ जो हुआ उसके सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, साफ सफाई की यहाँ की और बेहोश संतोष को लेकर यहाँ से चला गया। सर, ये मर्दों का दाढ़ी मूछ बनाने वाला रेस है? ये संतो के यहाँ क्या कर रहा है? क्या श्रीमान दीवान, हर वक्त बस काम काम काम, कभी तो कर लीजिए ना थोड़ा सा विश्राम। जाइए जाकर कराइए थोड़ा जलपान। अरे हम तो कविता बोल गए, वैसे तो हम कभी कविता करते नहीं मगर आज अचानक। कहने का मतलब ये है कि जाइए थोड़ा चाय वाय पी कर आइए। जाइए, आज आपको हमारी चिंता कैसे हो रही है? इंसानियत हम में भी है इसलिए इंसानियत के खातिर पूछ रहे हैं कि जाइए जाकर चाय वाय पी कर आइए। वैसे बात तो आपने सही की, चाय पीने की इच्छा तो हो रही है। हो रही ना, तो फिर देर किस बात की, जाइए तुरंत पी के आइए, अपनी इच्छा पूरी कीजिए, वरना ये अगर इच्छा अधूरी रह गई ना तो आपकी आत्मा यही हवेली में भटकती रहेगी चाय 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 करते हुए। चाय 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 चाय, ये लीजिए दीवान जी, बदनाम स्पेशल चम। देखिए आपने चाय कही और चाय भी आ गई। जी फोन बज रहा है, जाइए। नहीं, इस बार आप जाइए और फोन उठाइए। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हर बार आप कहते रहते हैं ना, औरतें हमेशा आगे आगे करती है, मर्दों को कुछ करने ही नहीं देती। हमें नहीं सुनने आपके ताने, जाइए फोन उठाइए। नहीं, इस बार हमें कोई जल्दी नहीं, क्योंकि क्या है ना, आपकी हसीना मैडम फिलहाल ऑफिशियली इस कॉम्पिटिशन से बाहर है और संतोष शर्मा का केस तो हमारे सर संभाल ही रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। Excuse me, madam. जी कहिए। मुझे रिपोर्ट लिखाना है। रिपोर्ट लिखानी है? रिपोर्ट लिखानी है? हमारी तरफ क्या देख रहे हैं, जाइए रिपोर्ट लिखाइए। नहीं, हम नहीं ले सकते ना केस, डीएसपी सर का ऑर्डर है मैडम सर के लिए, तो जाइए आप ही अपने नंबर बढ़ाइए। अब आइए हमारे साथ, बैठिए, बताइए। जी मेरा मोबाइल खो गया है, उसी की कंप्लेंट निकाली है। हेलो मलाइका,
हमारे यहाँ खाना बनाने आती है। सब्जी बनाओ भिंडी की। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। कुछ मिला संतोष के फोन से? समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर, क्या बताएं आपको। इस संतोष के साथ पता नहीं क्या चल रहा था। क्यों, ऐसा क्या हो गया? उसके फोन रिकॉर्ड से पता चल रहा है मैडम सर, उसने कल किसी डॉक्टर दामिनी खन्ना को मैसेज किया था। डॉक्टर दामिनी खन्ना एक मनोचिकित्सक है। अब क्या कहते उसे, साइकियाट्रिस्ट? हाँ वही। हाँ लेकिन पुष्पा जी, संतोष को अचानक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत क्या पड़ गई? वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर, क्यों? अच्छा ठीक है, मैसेज में क्या लिखा था? मैसेज में, हाँ दो लाइन का मैसेज है, पढ़ के सुनाते एक मिनट। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, आई नीड टू मीट यू। संतोष शर्मा डिप्रेस थे? मतलब चीता बिल्कुल सही कह रहा था कि संतोष ने जो है पॉलीग्राफ टेस्ट का जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया, और हमें पता ही नहीं है। बच्ची बच्ची किस तकलीफ से गुजर रही है, और वो भी नालायक। एक छोटा सा पिंपल भी आता था ना तो दिन में 50 बार हमारे कान खाती थी, पुष्पा जी देखिए पिंपल आ गया, पिंपल आ गया। और इतनी बड़ी बात उसने हमसे एक बार भी नहीं कही, और हम पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकती थी वो। आने दीजिए, वापस आने दीजिए उसे, ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि वो पुष्पे को कभी भूल नहीं पाएगी। पुष्पा जी देखिए प्लीज प्लीज आप खुद को संभालिए, इस तरह से आप टूट जाएंगी तो हम सबका क्या होगा। आपने डॉक्टर का नाम क्या बताया? डॉक्टर दामिनी खन्ना। ठीक है, उनका एड्रेस हमें मैसेज कीजिए जल्दी। जी भेजते हैं, अभी भेजते हैं। हाँ जय हिंद। डॉक्टर दामिनी। यस। आई एम सो सॉरी हम इस तरह से बिना परमिशन के अंदर आ गए हैं, लेकिन ये किसी की जिंदगी का सवाल है, हमें आपसे बस 2 मिनट बात करनी है। इट्स ओके, कहिए क्या बात करनी है। हाँ आप शायद पेशेंट के साथ हैं, हम बाहर चलकर बात करें। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, शी इज नॉट माई पेशेंट, शी इज अनुष्का मित्तल, फाउंडर ऑफ बिग एंड फेमस फार्मा कंपनी मुस्कान, और इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी भी। होप यू नो हर। ऑफ कोर्स अनुष्का मित्तल, फार्मा क्वीन, आपको कौन नहीं जानता। SHO हसीना मलिक को भी आज की डेट में कौन नहीं जानता। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? हो सकता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ। जय हिंद दीवान जी। बताइए संतोष के मैसेज चेक किया आपने? कुछ हाथ लगा उसके फोन से? एनी क्लू, कोई इशारा? अब सर क्या ही बताए आपको, फोन हाथ में लगे तो कुछ पता चले ना। पर सर यहाँ तो संतोष शर्मा का फोन ही गायब है। सर ये पक्का इन्हीं का काम है, ये चाहते ही नहीं कि हमारे हाथ में फोन आए और हम ये केस सॉल्व करें। अब आप बताइए सर मैं क्या करूं। नहीं नहीं फिलहाल आप कुछ मत कीजिए, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ सर, कुछ दिक्कत है? नहीं नहीं सब ठीक है, आप प्लीज आगे से राइट लीजिए। जी। इन्हें जानती है? ये तो वही लड़की है। कौन कौन लड़की? कल ही तो आई थी मेरे पास, काफी डिस्टर्ब थी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर और डिप्रेस भी लग रही थी। मैंने कुछ मेडिसिंस प्रिस्क्राइब की थी, पता नहीं उसने ली है कि नहीं। आपने मेडिसिंस दी थी लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला उसके पास। बात क्या है मैडम, ये ठीक तो है ना? नहीं ये लड़की गुमशुदा है, हम इसी को तलाश कर रहे हैं। ओ गॉड, कितने केयरलेस है आजकल के यंगस्टर्स। मेरी प्रिस्क्राइब मेडिसिन ली होती तो अभी तक ठीक हो जाती और कहीं गई भी नहीं होती। काश इन यंगस्टर्स को कोई समझाए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात करें अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से। पता नहीं क्या आजकल के जनरेशन कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए तो माई ट्रबल शूटर नाम की सॉल्यूशन पिल्स को प्रिस्क्राइब की थी, जो आजकल के यंगस्टर्स के इन्हीं प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि इन युवाओं की जान बचाई जा सके। इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि संतोष शर्मा ने सुसाइड किया है। नहीं हम ये नहीं मान सकते, बात कुछ और है, हमें पता लगाना होगा।
अफसोस हसीना जी, इतनी सीनियर ऑफिसर होकर भी लगता नहीं कि आपको प्रोटोकॉल की कोई परवाह है। डीएसपी सर ने साफ साफ कहा था कि आप थाने में आने वाली किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगी, और मैंने भी आपको इस केस को लेकर वार्न किया था, लेकिन आप फिर भी मेरी इन्वेस्टिगेशन में दखल दे रही। अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए मिस्टर अमर विद्रोही, आपके लिए एक मामूली सा केस है, लेकिन हमारे लिए हमारे घर की एक बच्ची खो गई है, इसलिए हमारे लिए इस वक्त इस केस से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। और संतोष शर्मा को ढूंढने के लिए हम कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। हमारे लिए ये नौकरी, ये वर्दी, प्रोटोकॉल कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्लीज आप अपना काम करिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है जो आप कर रही हैं वो सही है, तो बस इतनी सी बात मान लीजिए मेरी, मुझे अपने साथ आने दीजिए, ताकि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में दखल भी ना दे पाएं और जाने अनजाने में कोई प्रोटोकॉल भी ब्रेक ना कर पाएं। प्लीज इतनी बात तो आप मान ही सकती हैं मेरी। अच्छा ठीक है, लेकिन आप हमारे किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। प्रॉमिस। अरे करिश्मा सिंह, आप जा सकती हैं, अब ये केस हम दोनों मिलकर देख लेंगे, थाने में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। प्लीज उतरी है हसीना जी। हम क्यों उतरे? देखिए आप चलिए, हम कहीं उतरने वाले। हसीना जी मेरी बात सुनिए, उतरिए प्लीज। दिमाग खराब है आपका। आप पागल हो गए? आपका दिमाग खराब हो? ये क्या कर रहे हैं आप? अमर विद्रोही आवाज से बात कर रहे हैं। I'm sorry, हसीना जी, करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मेरे पास। मैं जानता हूँ इस केस के साथ आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं और संतोष शर्मा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे भी तो अपनी ड्यूटी करनी है ना, जो आप मुझे करने नहीं दे रही, मेरी इन्वेस्टिगेशन के बीच में आकर डिस्टर्ब कर रही हैं आप। देखिए थोड़ी देर की बात है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए मेरे लिए, उसके बाद आई प्रॉमिस यू मैं संतोष शर्मा और उसके हमलावर को लेकर आकर मैं आपको रिलीज कर दूंगा, पर थोड़ी देर के लिए प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, बाय। अरे क्या पागल है क्या आपका दिमाग? अमर विद्रोही, अमर विद्रोही। दीवान जी जल्दी चलिए, गाड़ी निकालिए। जी सर। सर एक मिनट, मैडम सर आपके साथ ही वो कहाँ है? वो हमारे साथ ही है, बस आती होंगी। दीवान जी आप चलिए जल्दी, गाड़ी निकालिए, जाना है। सर हम भी आपके साथ आएंगे। करिश्मा सिंह आपकी जरूरत कहाँ है आपको बता दिया जाएगा, फिलहाल जहाँ हम जा रहे हैं मैं और दीवान जी वहाँ संभाल लेंगे। दीवान जी आप चलिए। नहीं 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 सर, हम भी आपके साथ ही आएंगे, आप भी जा रहे हैं, मैडम सर भी यहाँ है, तो हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते हैं ना। संतु को हमारा जरूरत है, उसको सही सलामत वापस लाना, हम आपके साथ आएंगे। सर आप हमें नहीं लेके जाएंगे तो हम जबरदस्ती आएंगे, लेकिन हम फिर अपने तरीका से केस सॉल्व करेंगे ना। माइक्रोफोन मतलब कोई हमारी बातें सुन रहा है। हमें आना ही है आपके साथ सर। करिश्मा सिंह आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं, लेकिन अब इस सबकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका है असली गुनहगार कौन है। कौन है वो टोपा आदमी, उसकी जिंदगी छितरा देंगे हम, नाम बताइए बस उसे। ये चीता चतुर्वेदी, इसी ने किया है संतोष शर्मा का किडनैप। सर ये क्या कह रहे हैं आप, किस पर इल्जाम लगा रहे? चीते पर? यही तो प्रॉब्लम है महिला पुलिस थाने की, हर चीज में इमोशन घुसा देती है, प्रैक्टिकल लॉजिकल चीजें समझ कहाँ आती है आपके? बिल्कुल सही सर। अरे लास्ट टाइम संतोष शर्मा को किसने देखा? इस आदमी ने। पहली बार उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने कौन आया था? यही आदमी। और हमारे साथ उन्हें ढूंढने का झूठा नाटक कौन कर रहा था? यही आदमी। और फिर भी यहाँ किसी को पता नहीं चला कि यही असली मुजरिम है? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता, चीता ऐसे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि चीता संतु से प्यार करता है सर। एक तरफा प्यार जिसे कभी संतोष शर्मा ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अभी कल इन्होंने प्रपोज किया था संतोष शर्मा को, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और ये सब कुछ दीवान जी के सामने हुआ था। क्यों दीवान जी? यही हुआ था सर, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं संतोष। चीते मतलब कैसे? मैं यहाँ पर इतने टेंशन में हूँ, इतनी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुझे ये घटिया प्रैंक और मजाक की पड़ी है, हद करता है यार। ए निठन्ने, तूने संतोष जी को प्रपोज किया सच में? सच में प्रपोज किया सर, जैन सर। और रिजेक्शन मिलना इनसे हैंडल हुआ नहीं, मेल ईगो हर्ट हो गई इनकी, और तभी इसने ठान लिया कि संतोष शर्मा को सबक सिखाना है और किडनैपिंग कर ली उनकी। बता कहाँ छुपा के रखा है? हमार सर ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम संतु जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्यार एक तरफा है ये भी सच है, कल हम संतु जी को प्रपोज किए ये भी सच है, हम रिजेक्ट हो गए ये भी सच है, लेकिन हमको नहीं पता सर संतु जी कहाँ है, ये बात झूठ है सर, हमको कुछ नहीं। हम Thank you.
सर ये क्या इशारा कर रहे हैं? नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कोई इशारा नहीं, जो सबूत मिला है चीते के खिलाफ तो वो समझा रहे हैं हमको। कोई हमारी बात सुन रहा है? और सबूत की बात कर रहे थे ना आप, सबूत भी है मेरे पास। जैन सर। क्यों चीता चतुर्वेदी, ये तुम्हारा डंडा है ना, इस डंडे से तुम्हारे तन मन की वो सेवा करेंगे, तुम खुद बताओगे संतोष शर्मा कहाँ है। नहीं, नहीं, चीता को कुछ मत कीजिए, ये तो मासूम अबोध बच्चा है, उसे बख्श दीजिए। हम आपके आगे हाथ फैलाते, हम झोली फैलाकर उसकी हड्डियों की भीख मांगते, मत मारिए उसे। चीता चतुर्वेदी, भागने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। सर, सर आपको माफ कर दीजिए। चीता चतुर्वेदी, चीते को आप गलत समझ रहे हैं। बिल्ली आराम से गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। सर सर, छोटा मुंह और उससे भी छोटी बात, हमने चीते को क्यों भगाया? अरे ताकि हम संतोष शर्मा के असली हमलावर तक पहुंच सके पुष्पा जी। अरे हाँ, भाग 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 चीते भाग। क्या भाग, लेकिन हमें चीते के पीछे जाना चाहिए ना सर। हमारे अनुमान के हिसाब से वो किडनैपर चीते को उठाने के लिए पहुंच गया होगा, इसलिए पहले हमलावर को चीते तक पहुंचना चाहिए। चीता उठ गया, चलिए करिश्मा सिंह ले जीत दीवान जी। नहीं नहीं चीते को, माँ माँ किडनैपर के हाथों उठ चुका है, वो दुनिया से नहीं उठा है। उनका कहने का मतलब ये है कंट्रोल माँ, कंट्रोल। हाँ हाँ समझ गए। भैया पानी की बोतल लेंगे प्लीज। हाँ जी जी, पानी दे रहा हूँ, ये लीजिए। थैंक यू। भैया आपने गलती से मेरे सामान में मर्दों वाला रेजर भिजवा दिया था, घर पे पड़ा है, आप मंगवा लीजिए किसी से कह के। वो गलती से नहीं भिजवाया था बहन जी, ये ऑफर में है। हमारे यहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन 1000 रुपए से ज्यादा का सामान ऑर्डर करने पर ये मर्दों वाला रेजर फ्री दिया जाता है, इसलिए भेजा था। ये मर्दों का दाढ़ी मूछ बनाने वाला रेजर, ये संतो के यहाँ क्या कर रहा है? भैया भैया सुनिए, आप यहाँ कोई संतोष शर्मा नाम की लड़की कभी आई है? उसका चेहरा देखकर पहचान जाएंगे। संतोष शर्मा? हाँ संतोष शर्मा कांस्टेबल ना, हाँ उनको मैं जानता हूँ। सारा सामान वो यहीं से लेकर जाती है, अभी पिछले कई दिनों से वो एक ही सामान लेकर जा रही है, 12 टेबलेट्स वाला एक पिल्स का पैकेट, सॉल्यूशन पिल्स। अच्छा, वो ये सारी दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले जाती थी? नहीं जी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उनके पास, वो जानी मानी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर दामिनी खन्ना का। अच्छा कितने वक्त से ले रही थी वो पिल्स? लगभग 1 महीने से। कितने केयरलेस हैं आजकल के यंगस्टर्स, मेरी प्रिस्क्राइब मेडिसिन ली होती तो अभी तक ठीक हो जाती और कहीं गई भी नहीं होती। अगर संतोष पिछले 1 महीने से डॉक्टर दामिनी की प्रिस्क्रिप्शन पर पिल्स ले रही थी तो डॉक्टर ने झूठ क्यों कहा? कहीं संतोष के गायब होने के पीछे उसी का हाथ तो नहीं? आपका फोन मिलेगा प्लीज, एक बहुत जरूरी फोन कॉल करना है। हाँ,
ये लीजिए। थैंक यू, हम अभी देते हैं। हेलो, हाँ रुकिए मैडम, दामिनी मैडम बिजी है, अंदर मीटिंग चल रही है। हाँ, मैंने उनको मैसेज किया, उनको पता है कि मैं आ रही हूँ, आप हटिए प्लीज। मुबारक हो, तुम्हारे सॉल्यूशन पिल्स तो सच में धूम मचा रहे हैं। यंगस्टर्स तो क्रेजी हो जा रहे हैं तुम्हारी कंपनी के पिल्स के। ड्रग्स की तरह ये धीमा नशा भी पेशेंट्स की लत बनता जा रहा है। लगता है कि एडिक्टिव सब्सटेंस की डोज तुम ज्यादा ही मिला रही हो इसमें। यू नो व्हाट दामिनी, ऊंचाई की एक यही प्रॉब्लम है, ऊपर चढ़ते रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से यही सोच रही थी मैं कि क्यों आपकी दवाई के बिना मैं रह ही नहीं पा रही, क्यों आपकी दवाई नहीं ले रही हूँ तो मुझे इतनी घबराहट हो रही है, इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इतना ओवरथिंक कर रही हूँ, मुझे इतना अकेला महसूस हो रहा है, क्यों मुझे इतना इनसिक्योर फील हो रहा है। अब मुझे पता चला है कि ये सब तो आपकी दवाई ना लेने के साइड इफेक्ट्स है। कितनी घटिया है आप और आपकी वो अनुष्का मैडम। एक एक को जेल की हवा नहीं खिलाई ना तो मेरा नाम कांस्टेबल संतोष शर्मा नहीं। सुना तुमने? सुना मैंने, कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है इतनी मेहनत से मैंने जो इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, वो उस दो कौड़ी की कांस्टेबल के हाथों बर्बाद होने दूंगी? उसे तबाह करके रख दूंगी, जान से मार डालूंगी उस दो कौड़ी की पुलिस वाली को। ऐसे मारो कि इसकी मौत सुसाइड लगे। तुम कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो हमारे लिए काम कर सके। सर पर मौत मंडरा रही हो और तुम हंस रही हो, सच में पागल वागल हो गई हो क्या? पागल तो तुम लोग हो, तुमने मेरे सुसाइड का नहीं अपने सुसाइड का इंतजाम किया है। तुम्हें क्या लगता है महिला पुलिस थाने की टीम हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है? तुम तक पहुंचने की जीत तोड़ कोशिश कर रहे हैं वो, और जब यहाँ पर आ जाएंगे ना तब तुम्हें लगेगा कि हाय इससे अच्छा तो सुसाइड ही कर लेते हैं। तुम्हें पता है ये महिला पुलिस थाने का जो परिवार है ना मेरा, धूप में भी नहीं निकलने देता है मुझे कि कहीं संतु टैन ना हो जाए, और तुम लोगों ने तो किडनैप कर लिया है मुझे। सोचो सोचो कितना बुरा हाल होगा तुम लोगों का। इमोशनल फूल हो तुम, यू नो बेबी, कभी भी किसी पर इतना इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि जब उम्मीद टूटे तो संभलने का मौका भी ना मिले। आज तुम्हारी भी उम्मीद टूटने वाली है क्योंकि तुम्हारी उसी टीम का एक मेंबर तुम्हारी जान ले लेगा। चीते 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 उठ, चीते क्या हुआ तुझे, क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? चीते आंखें खोल, चीते उठ। गुड जॉब नबी, खत्म कर दो अब इन दोनों को। बट रिमेंबर, जैसे कहा है बिल्कुल वैसे होना चाहिए। ओके, सो प्लान ये है कि तुम्हारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्या नाम बताया उसका, अमर विद्रोही, उसकी नजर में चीता ही मेन सस्पेक्ट है। उसे लगता है कि चीता ने ही तुम्हें किडनैप किया है और चीता ही तुम्हें मारना भी चाहता है। तो बस नबी चीता के हाथों से तुम्हें मारेगा और फिर चीता के हाथ से चीता को ही मरवा दिया जाएगा, और फिर कहानी ऐसी बनेगी कि प्यार में नाकाम अस्थिर भरे आशिक ने पागल होकर उस लड़की को मार डाला जिसने उसके प्यार को ठुकरा दिया, और फिर उसकी मौत के गम में उसने खुदकुशी कर ली। नबी Go ahead. चीते होश में आ, चीते उठ, देख ये तेरे हाथों से क्या करवा रहे हैं। चीते होश में आ, उठ। चीते उठ ना, चीते तेरे हाथ में बंदूक है। चीते उठ, चीते आंखें खोल, चीते आंखें खोल, चीते आंखें खोल, प्लीज आंखें खोल, प्लीज। Move!
मैडम सर कहाँ है? हमें नहीं पता, इनको पता है। मैडम सर से क्या करना है तुम्हें? मैं आ गया हूँ ना, मैंने बचा लिया तुम्हें। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। हसीना जी आप यहाँ? हम लाए, मैडम सर ने कहा था अनुष्का का फोन ट्रेस करने के लिए वही करते आए। तुम लोग पहुंच तो गए हो लेकिन बचोगे नहीं, मारो। नहीं छोड़ेंगे, तुमको मार के ही छोड़ेंगे। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। चीते, चीते होश में, चीते उठ, आंखें खोल, चीते उठ, होश में। वो पता था संतु जी आपको कुछ नहीं हो सकता है। अगर गलती से भी आपको कुछ हो जाता ना संतु जी, हमारा दाना पानी भी उठ ही जाना था। बच नहीं पाते हम, मर जाते हम संतु जी। इतना प्यार करता है मुझसे? प्यार? संतु जी, अगर प्यार का कोई इंची टेप होता ना, आपको नाप कर बता देती कि हम कितना प्यार करते हैं आपसे। हमारी संतु जी को, संतु जी को मारेगा तू, संतु जी, संतु जी, इसको लेके जाओ, इसको भी लेके जाओ, लेके जाओ सबको। संतोष आप ठीक है? आप लोग ठीक है? मैं सर ठीक हूँ। चीते, अनुष्का, लालच इतनी अंधी चीज होती है ना कि सही गलत जायज नाजायज के बीच का फर्क समझ नहीं पाते, यहाँ तक कि अपना अंजाम भी देख नहीं पाते। इसकी सड़क चाहे कितनी ही चमकीली क्यों ना हो, अंत हमेशा जेल की काल कोठरी में ही होता है। तजुर्बा कहता है हमारा, तजुर्बा हुआ पुराना, अब है लॉजिक का जमाना। और हमारा लॉजिक कहता है कि कानून की पकड़ थोड़े टाइम तक ढीली जरूर हो सकती है, छूट नहीं सकती। देर से ही सही, मुजरिम कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। चलो, और तुम्हारी दोस्त डॉक्टर नामिनी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अरे चलो। मिस्टर अमर विद्रोही, आपके हथकड़ी बांधने से आपका ये स्लोगन तो सच आपने कर ही दिया कि आप इस महिला पुलिस थाने को हड़पने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सही कहा ना हमने? स्लोगन सही था, कॉन्टेक्स्ट गलत था। और ये भी सच है कि मुझे एट एनी कॉस्ट ये थाना हासिल करना है, लेकिन आपको बांध कर जाने के पीछे की मेरी मंशा जल्द से जल्द संतोष शर्मा तक पहुंचने की थी, उनकी जान बचाने की थी। झूठ, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं आप। आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप हमारे इस थाने को हड़प सकें जल्द से जल्द। चलिए, आपकी ये मेहरबानी भी उधार रही, इसे भी लौटाएंगे हम, वो भी इंटरेस्ट के साथ, बाइज्जत, ये वादा है हमारा। और हाँ, औरत ना ही वादा कभी भूलती है और ना ही भूलने देती है। जय हिंद। ये सच है कि यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा था, मैडम सर का पॉलीग्राफ टेस्ट, थाना बंद होने की टेंशन, नौकरी जाने की टेंशन, शादी की तलवार, ये सारी प्रॉब्लम्स ने मुझे घेर लिया था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। और अब मुझे पता चला कि क्यों मेरे इमोशंस जो है इतना आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। मैडम सर, ये सब अनुष्का की पिल्स के वजह से हुआ।
जिसे खाकर किसी के भी इमोशंस जो है एकदम हाई हो जाते हैं, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अगर मुझे किसी भी बात की टेंशन थी या कुछ भी स्ट्रेस था तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था, मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। आई एम सॉरी मैडम सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी कोई भी स्ट्रेस हुआ, कुछ भी हुआ तो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। मुझे अपने इमोशन से डील करने के लिए किसी भी पिल्स की जरूरत नहीं है, मैं खुद काफी हूँ। बिल्कुल सही कहा संतोष शर्मा, हम जानते हैं कि बहुत बार ना हमारे खुद के ही इमोशंस हम पर इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम उनसे डील क्या करें। जो भी हो, बात करना जरूरी है अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से या फिर किसी प्रोफेशनल काउंसलर से। हमें बहुत खुशी है कि फाइनली तुम्हें ये बात समझ में आ गई। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुमने एक सवाल पूछा था ना मुझसे, तब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी और उसके बाद तो मुझे मौका ही नहीं मिला। तेरे सवाल के बदले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझसे शादी करेगा? पुष्पा जी, एक केस में इतना भागा दौड़ी हो गया है ना कि हमको तो दिन में सपना आ रहा और सपना भी ऐसा आ रहा है कि संतु जी हमको परपोज कर रही है। बताइए कैसा? अरे सच में कर रही है। संतु जी, संतु जी नहीं सर, आपको बता नहीं सकते हम संतु जी। ये दिन के लिए मतलब लखनऊ का हर एक मंदिर में हर रोज भगवान को कितना ज्यादा प्रसाद चढ़ाए, कितना मस्त हमारे उन लोग को। संतु जी संतु जी अभी अभी करेंगे शादी संतु जी, कहीं बाद में आपका मूड बदल गया ना तो 10-20 साल कुंवारे और रह जाएंगे हम संतु जी। हम